व्हाट इफ की सैंपा स्पाइडर कभी लापता एसएमपी ज्वाइन ही नहीं करता। तो कैसे हो आप सारे, होप सो कि सब सब बढ़िया होंगे एंड वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। तो ये है हमारी व्हाट इफ सीरीज का पार्ट टू और इस सीरीज के अंदर हम बात करने वाले हैं अगर कोई सी चीज पास्ट के अंदर हो जाती तो अभी उनका प्रेजेंट कैसा होता या फिर कोई सी चीज फ्यूचर में जाके होगी तो वो कैसी होगी। आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सैंपा स्पाइडर के बारे में, अगर वो लापता एसएमपी को ज्वाइन नहीं करते तो आज कहां पे होते। तो सबसे पहली बात सब्सक्राइबर भाई, जो आज 7 लाख सब्सक्राइबर सैंपा स्पाइडर के, वो भाई 7 लाख नहीं होते, कुछ 1-2 लाख सब्सक्राइबर पे ही रहते और मे भी 1-2 लाख सब्सक्राइबर पूरे नहीं होते सैंपा स्पाइडर के, कुछ कह नहीं सकते अपन। और अगर सैंपा स्पाइडर लापता एसएमपी को ज्वाइन नहीं करते तो यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज थी कि उनको कोई और एसएमपी ले लेती, जैसे इलाइट एसएमपी या फिर लॉयल एसएमपी कोई सी वगैरह, या फिर इनकी जो पुरानी एसएमपी थी जिसमें वीडियोस बनाते थे वही एसएमपी कंटिन्यू होती और वो एसएमपी ग्रो होती। और अगर सैंपा स्पाइडर कभी लापता एसएमपी ज्वाइन नहीं करता तो भाई आज हम उसे जानते ही नहीं इतने डेडलीस्ट प्लेयर के नाम से, और ना ही हमें ये स्टॉर्म सीरीज जैसी लेजेंडरी सीरीज देखने को मिलती भाई, और ना ही सैंपा स्पाइडर के चैनल पे इतनी खतरनाक वीडियोस देखने को मिलती हमको, क्योंकि लापता एसएमपी में आने से पहले सैंपा स्पाइडर को कोई भी नहीं जानता था भाई, बहुत अंडररेटेड यूट्यूबर था वो भाई, अभी भी बहुत सारे से यूट्यूबर्स है, पर भाई उसके बाद सैंपा स्पाइडर की जो ग्रोथ हुई है लापता में आने के बाद भाई, जिस तरह से लापता एसएमपी ने सैंपा को लाके भाई इतना बड़ा यूट्यूबर बनाया, इसी तरह भाई बहुत सारे अंडररेटेड यूट्यूबर्स है जो बाहर नहीं निकल पाते भाई, उनमें बहुत स्किल्स होती है भाई, उनको सबको भाई बस एक चांस की जरूरत है भाई। अगली वीडियो मिलते हैं, लाइक करके सब्सक्राइब कर देना। जय राम जी।